Hello everyone, welcome back to the Trend Bros YouTube channel and to our CUET Most Important MCQ series, जहां हम आज psychology का last chapter cover कर रहे हैं developing psychological skills. तो इस सीरीज में जितने भी वीडियोस आए हैं, जितने भी MCQ सीरीज हमने करी है, उन सब में हमारे जो CUET के PYQs हैं, crucial MCQs हैं, थोड़े जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं आपके चैप्टर के, जहां से स्पेक्युलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब हमने थोरली कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है. तो आई एम श्योर कि अगर आप एक्टिवली इस वीडियो के साथ एंगेज करोगे, मतलब क्या है कि साथ में हमेशा एक नोटपैड एंड पेंसिल रखना है, नहीं है तो जस्ट यू हैव योर फोन विद यू, राइट, जस्ट कीप टैलिंग कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं. जो गलत जा रहे हैं उनका एनालिसिस करना है कि कौन से जो चैप्टर है उसके कौन से सेक्शन से गलत जा रहे हैं, वीक एरियाज कौन से हैं, वापस जाके उनकी फिर से रीडिंग करनी है, उस कंसेप्ट की और क्लैरिटी लानी है, तभी ये जो प्रेप है वो 100% होगी. नाउ राइट नाउ दिस इज लाइक 50% ऑफ इट एंड द रेस्ट 50% यू हैव टू डू फ्रॉम योर एंड एज वेल. ओके, सो जस्ट मेक श्योर that you are keeping a check on your score and you are dropping down your score at the end of the video right in the comment box, ताकि हम साथ में उसको evaluate कर सके. तो इसी note पे चलिए आज last video start करते हैं. Which of the following best describes the dual nature of psychology? A. Service oriented and scientific research driven. B. Experimental and observational. C. Cognitive and behavioral. And D. Qualitative and quantitative. अब हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही कहा है कि साइकोलॉजी जो है ना, उसके वो जो डिसिप्लिन है उसके दो, उसके नेचर में दो फीचर्स आते हैं, तो वो कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी ए, सर्विस ओरिएंटेड एंड साइंटिफिक रिसर्च ड्रिवन. यानी कि साइकोलॉजी सर्विस, लाइक ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए एक डिसिप्लिन है प्राइमरीली, यस, ताकि वी कैन सर्व पीपल. बट ऑल्सो इसका जो कोर है वो साइंटिफिक है, वो रिसर्च द्वारा ड्रिवन है. रिसर्च करके ही वी आर फॉर्मिंग हमारी थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इन साइकोलॉजी. तो ये तो मेथड का है, ये नहीं हो सकता. कॉग्निटिव एंड बिहेवियर भी नहीं होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव भी नहीं होगा. द आंसर वुड बी ए. ओके, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA टास्क फोर्स, व्हाट आर 3 सेट्स ऑफ स्किल्स रिकमेंडेड फॉर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए. बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड रिसर्च स्किल्स. बी. असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल्स. सी. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस स्किल्स, डायग्नोस्टिक स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. एंड डी. साइकोमेट्रिक स्किल्स, ग्रुप थेरेपी स्किल्स एंड क्राइसिस इंटरवेंशन स्किल्स. अब APA हमेशा आपको याद रखना है, आपका जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड, कोर साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना, वो सब हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में दिया है. APA दो है, एक है अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, एक है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जहां पे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आ रहा है ना, उसे याद रखना है. ऑप्शन में आपको साइकाइट्रिक के साथ कंफ्यूज करके और क्वेश्चन में दे सकते हैं. तो वो 3 सेट्स ऑफ स्किल्स क्या है जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए रिकमेंडेड है? अब देखो, आपको इस चैप्टर में हमेशा याद रखना है, जहां भी इस चैप्टर के लिए साइकोलॉजिस्ट वर्ड आ रहा है ना, साइकोलॉजिस्ट का मतलब केवल काउंसलर्स नहीं है. साइकोलॉजिस्ट्स में यहाँ पे सब आ गए जो कि बेसिकली ट्रेन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि हमारे अकेडमिशियंस हो गए, ठीक है, जिसमें हमारे प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स आते हैं, काउंसलर्स हो गए, क्लिनिकल थेरेपिस्ट हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, उन्होंने भी लाइक साइकोलॉजी कोर्सेज जो करते हैं अपने प्रोफेशनल, तो उन सभी को हम यहाँ पे प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, मोस्टली काउंसलर्स को बोल रहे हैं. तो उन सभी साइकोलॉजिस्ट में 3 जो सेट ऑफ स्किल्स हैं वो कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर वुड बी बी, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्किल्स एंड काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल्स. इंडिविजुअल डिफरेंस को असेस कर पाना, यानी एक ही ट्रीटमेंट, एक ही थ्योरी सब पे अप्लाई नहीं होगी, हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस है उसको माइन्यूटली पकड़ पाना. दूसरा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कि कैसे अगर हम थेरेपी दे रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से एक इंडिविजुअल के मैलअडैप्टिव बिहेवियर को मॉडिफाई करके अडैप्टिव बनाना है, उसके लिए हेल्पफुल बनाना है. और काउंसलिंग एंड गाइडेंस स्किल्स, ऑब्वियसली राइट, साइकोलॉजी के कोर में ही है कि सर्विस ओरिएंटेड टू वर्क विद पीपल, तो कैसे लोगों को काउंसिल करना है, गाइड करना है. ओके, एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर हमारा जो वैसा काउंसलिंग होता है जो बेसिकली टिपिकल काउंसलिंग होता है, इवन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एंड अदर साइकोलॉजिस्ट हैव टू डू दिस एज वेल. ठीक है, तो देखो ए में देखें इंटरपर्सनल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, ये भी नहीं होगा. सब कुछ जो 3 स्किल्स हैं वो हमारे ये बी में ही आ जाते हैं, ये हमारे और ऑप्शंस नहीं होंगे.
ओके, दिस इज अ पी वाई क्यू विच ऑल्सो ओवरलैप्स विद चैप्टर 5 जो थेरेपी का चैप्टर है. तो इसमें हमें मैच करना है जो हमारे एसेंशियल स्किल्स हैं साइकोलॉजिस्ट के उनको विद देयर मीनिंग्स. तो पहले लिस्ट 1 देख लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज, पैराफ्रेज, डिसेप्शन एंड ऑथेंटिसिटी. लिस्ट 2 देख लेते हैं, फर्स्ट रिपीट और समराइज इन वन इज ओन वर्ड्स, सेकेंड कंसिस्टेंसी बिटवीन वैल्यूज एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशन, थर्ड नॉन वर्बल एक्शन एंड फोर्थ द इनिशियल स्टेप इन लिस्टनिंग प्रोसेस. अब देखो भाई, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज में आते हैं आपके सारे नॉन वर्बल एक्शंस. तो हमेशा लिसनिंग में एक तो वर्बल एक्शंस होते हैं, वर्बल एक्शंस या वर्बल वर्बल एक्शंस बेसिकली स्पीच राइट, जो आप बोल रहे हो. एंड नॉन वर्बल एक्शंस माने आपकी बॉडी, आपका आई मूवमेंट, आपके जेस्टर्स, पोस्चर, वो सब आ जाता है बॉडी लैंग्वेज में. पैराफ्रेजिंग क्या होती है, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है अपने वर्ड्स में रिपीट या समराइज करना जो सामने वाले ने बोला है. सो दिस वुड बी फर्स्ट. रिसेप्शन, रिसेप्शन मतलब रिसीव से बनाए वर्ड, किसी चीज को रिसीव करना. तो बेसिकली लिसनिंग प्रोसेस का इनिशियल स्टेप रिसेप्शन हो गए. भाई अब जब तुम किसी को सुन रहे हो, पहले उसकी बात सुनोगे तभी तो कुछ बोलोगे उसे समझ के राइट. समझना, उस पर अपना ओपिनियन बनाना, फिर उसे फीडबैक देना, दैट इज बात की बात. बट पहले उसकी बात सुनोगे ना, यू हैव टू रिसीव दैट मैसेज. तो रिसेप्शन इज द इनिशियल स्टेप या फर्स्ट स्टेप इन लिसनिंग प्रोसेस. एंड डी इज ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि आप जो बिलीव करते हो, आपकी जो वैल्यूज हैं, वो एक्चुअली आपके बिहेवियर में दिख रही है. ओके, सो इफ आई एम एन एथीस्ट, I am showing it in my practice, okay? I am not adhering to any sort of religious rituals or anything just for the sake of it. तो आपकी values और behavior के बीच में consistency होगी, okay? तो इस हिसाब से हमारा correct answer would be C, A का third, B का first, C का fourth and D का second. Okay, which of the following is not a general skill? अब आपके तीन तरह के skill आए हैं psychologists के लिए. अब ये ना बहुत हायरार्की आपको याद रखनी है कि तीन तरह के स्किल्स हैं, जनरल, स्पेसिफिक और आपका ऑब्जर्वेशनल. उसमें भी हर स्किल का अपना अपने बाइफोकेशंस हैं कि ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में क्या आ रहा है, स्पेसिफिक स्किल्स में क्या आ रहा है, जनरल स्किल्स में क्या आ रहा है. तो ये जो हायरार्की है ना आपको पूरी याद रखनी है. इसमें से क्वेश्चन आएंगे कि क्या ये कौन सा स्किल है, क्या ये स्किल है या नहीं है. ठीक है, तो जनरल स्किल इनमें से कौन सा नहीं है. ए इंटरपर्सनल स्किल्स, बी इफेक्टिव स्किल्स, सी इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड डी पर्सनल स्किल्स. अब अगर वो ब्लू बॉक्स जो है जनरल स्किल्स का दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वो रीड करा होगा तो यू वुड नो दैट द आंसर इज इंटरव्यूइंग स्किल्स. इंटरव्यूइंग स्किल जो हमारा है वो एक जनरल स्किल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक स्किल है. ओके, तो ये एक स्पेसिफिक स्किल है, बाकी सब हमारे जनरल स्किल्स हैं. आप उस बॉक्स को रीड करोगे ना आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा. रिफ्लेक्टिव स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, ये सारे वर्ड्स जो है दे आर वेरी जनरल. इट्स लाइक होनी चाहिए हर साइकोलॉजिस्ट में, होगा तो दे'ड बी गुड एट इट. बट स्पेसिफिक स्किल्स आर लाइक बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस है, उसमें वो ना हो तो आप कर ही नहीं पाओगे. इट्स अ कोर कॉम्पिटेंसी. तो इंटरव्यूइंग इज अ कोर कॉम्पिटेंसी एज अ साइकोलॉजिस्ट. बाकी सब इज लाइक, इट्स लाइक ऊपर से गार्निश करने वाली स्किल्स है, तो बहुत अच्छी बात है. ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. तो असर्शन है, इन ऑब्जर्वेशनल मेथड डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज कैन गो अननोटिस्ड बाय द ऑब्जर्वर. रीजन है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज मार्क्ड बाय ऑन फील्ड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर व्हाइल इट अकर्स इन रियल टाइम. अब देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे, रेड से आई एम बेसिकली अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स. तो आपको भी यही करना है, व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन ना इन योर एग्जाम, ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव दैट डिजिटल पेन जो यहाँ पे अभी है, बट कीवर्ड्स देखने हैं क्वेश्चन के. दिमाग में मार्क कर लो कि इस क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स आए हैं एंड यहीं से मेरा आंसर निकलेगा. ओके, तो फिर ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए, बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए, सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स एंड डी ए इज ट्रू आर इज ट्रू. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. तो फिर अब सबसे पहला स्टेप, वी ऑल नो इट, पहले चेक करना है दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं. तो ए देखते हैं, असर्शन देखते हैं. ऑब्जर्वेशनल मेथड में हमारी जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज हैं, जिस ग्रुप को या जिस पर्सन एंटिटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उनकी जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज हैं, वो कभी कभी जो ऑब्जर्वर है या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मिस कर सकते हैं. इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. दिस इज अ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल मेथड जो आपकी बुक में दिया है. रीजन देख लेते हैं. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नाम से पता लग रहा है नेचुरलिस्टिक, जैसा हो रहा है नेचर में वैसे ही, इज मार्क्ड बाय ऑन फील्ड
फील्ड पे जहां हो रहा है वहीं पे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर व्हाइल इट अकर्स इन रियल टाइम ऑन फील्ड जहां पे हो रहा है प्लस रियल टाइम जब जब जैसे हो रहा है. अब अगर मान लो इट्स लाइक वी आर ऑब्जर्विंग अ किड गो हाउ बेसिकली एक पेरेंट जो है बेड टाइम एक्टिविटी या बेड टाइम शेयर करता है विद देयर चिल्ड्रन स्टोरी बुक रीड करके कुछ भी है तो भाई रात को हो रहा है ये बिहेवियर तो वो रात को ही ऑब्जर्व करेगा साइकोलॉजिस्ट. इट्स नॉट लाइक वो ने बोलेगा कि आप दिन में इनेक्ट करके दिखाओ मुझे. ओके तो रियल टाइम में हो रहा है और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशनल साइकोलॉजी में सब कुछ सिस्टमैटिक होता है तो ऑब्जर्वेशनल मेथड ही सिस्टमैटिक है तो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है अजर्शन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है बट क्या रीजन अजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है वेरी क्लियरली नहीं. रीजन और अजर्शन में कोई क्लियर हमें रिलेशन नहीं दिख रहा है. सो द आंसर वुड बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग इट. ओके डैश स्किल्स आर नीडेड बाय ऑल साइकोलॉजिस्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेशलाइजेशंस व्हाइल डैश स्किल्स आर कोर टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विस ए जनरल एंड ऑब्जर्वेशन B specific and general, C general and specific, and D observation specific. अब देखो आपको लगेगा मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दूँ बट इन चैप्टर्स के लिए बिकॉज ये आपने पहले नहीं पढ़े हैं सो आई एम ट्राइंग कि हर क्वेश्चन को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि कहीं ना कहीं जो चैप्टर है ना वहां भी उसके नुक्स एंड क्रुक्स आपको क्लियर हो जाए. देखो दो तरह के स्किल्स होते हैं. एक स्किल्स है जो सभी साइकोलॉजिस्ट को चाहिए जैसा कि मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो सकता है अकेडमिशियन हो सकते हैं दे कैन बी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट दे कैन बी अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट दे कैन बी एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट राइट. तो वो स्किल्स जो सभी साइकोलॉजिस्ट को चाहिए रिस्पेक्टिव उन्होंने किया भी फील्ड में स्पेशलाइज करा है. वाइल डैश स्किल्स है कि भाई अगर आप साइकोलॉजिकल सर्विस में मतलब जो आप काउंसलिंग कर रहे हो या जहां आपको बिल्कुल लोगों से इंटरेक्ट करना है उसमें आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कोर टू द फील्ड राइट. तो ये है बेसिक एंड ये है कोर स्किल्स. तो द आंसर वुड बी जनरल एंड स्पेसिफिक. जनरल स्किल्स होते हैं वो जो सभी साइकोलॉजिस्ट को चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन. तो ये सबसे बेसिक स्किल्स होते हैं जबकि स्पेसिफिक स्किल्स नाम ही बता रहे हैं स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक है और बहुत कोर है टू व्हाट यू आर डूइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट. इंटरव्यूइंग हो गया ऑथेंटिसिटी हो गया ये सब. विच ऑफ दीस इज नॉट एन एथिकल स्टैंडर्ड इन साइकोथेरेपी. ए इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी टेकन. बी हेल्प टू बी प्रोवाइडेड बाय माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन. सी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट शुड बी मेंटेन एंड डी रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी. The answer is pretty obvious in this one. It's B. Mindfulness-based meditation, it's more of an alternative therapy, right? इसका यहाँ पे साइकोथेरेपी से कोई याद नहीं है. साइकोथेरेपी में देखो एक चीज समझना है हमेशा याद रखना है. साइकोथेरेपी एंड साइकोडायनेमिक थेरेपी में कई को कंफ्यूज हो. साइकोडायनेमिक थेरेपी इज द स्कूल ऑफ थेरेपी जो सिगमंड फ्रॉइड एंड यू नो वर्नाय कार्ल यंग इन सब में साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट ने बताया वो है साइकोडायनेमिक थेरेपी. साइकोथेरेपी इज द ओवरऑल टर्म फॉर द अम्ब्रेला टर्म फॉर ऑल थेरेपी चाहे वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो बिहेवियरल थेरेपी हो आपका साइकोडायनेमिक थेरेपी है. तो सभी तरह की साइकोथेरेपीज में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम होते हैं मतलब अपने अपने अलग हो जाते हैं थोड़े बट कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो सब साइकोथेरेपीज में कॉमन होते ही होते हैं. तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ता है बेसिकली आपको यू नो It's a voluntary relationship. हमेशा क्लाइंट जो है उसकी मर्जी होनी चाहिए कि yes, I want to participate in this therapy session. फिर कॉन्फिडेंशियलिटी भाई क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए. ये नहीं बटोर रहे हैं बता दिया टीवी पे या केस हिस्ट्री आप दिखा रहे हो किसी को तो उसमें नाम आपने देख दिया क्लाइंट का. और ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. दिस वॉज अ पी वाई क्यू. अच्छा अब केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया है. A social media influencer posts about how people pleasing is caused by inferiority complex. Which of the following is not a way to investigate the authenticity of such pop culture psychologists? A. Asking if they are engaged in clinical practice or not. B. Asking questions about professional training, institutional affiliation, etc. C. Involvement in carrying out research and theoretical formulations. D. Knowledge of tools, methods and theories for psychological expertise. अब देखो ये आपने भी देखा होगा हमें YouTube Shorts में हमें Instagram पे बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाले लोग दिख रहे हैं राइट कि आपकी साइकोलॉजी ऐसे है भाई. दीज आर पॉप कल्चर साइकोलॉजिस्ट ओके जो कि एक्चुअली डिग्री वाले साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं है. तो व्हाट इज
नॉट अ वे जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि भाई ये एक्चुअल में साइकोलॉजिस्ट है या ये फर्जी साइकोलॉजिस्ट है. तो आस्किंग इफ दे आर एंगेज्ड इन थेरेपी, नीचे से देख, ओके, नॉलेज ऑफ टूल्स मेथड्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज, दिस इज ट्रू. अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट विल नो जो उनकी फील्ड के टूल्स हैं, कैसे टूल्स से इन्वेस्टिगेट करना है, मेथड्स क्या है, थ्योरीज क्या है, राइट, बिकॉज दे हैव स्टडीड इट. दिस इज करेक्ट. एंड सी, इन्वॉल्वमेंट इन कैरिंग आउट रिसर्च एंड थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन, एज एज ए साइकोलॉजी इज अ साइंस, इट्स अ साइंटिफिक फील्ड, ओके. तो उसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट है ना, या तो वो रिसर्च कर रहे हैं या फिर वो थ्योरीज बना रहे हैं, ओके. तो थ्योरीज एंड रिसर्च एक्टिवली बनाते हैं या क्रिएट करते हैं या उन पर काम करते हैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट. देन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल अफिलिएशन एक्सेट्रा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट होंगे उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होंगे, उन्होंने क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन से अपनी पढ़ाई की होगी, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. आस्किंग इफ दे एंगेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस और नॉट, अब देखो ये तुम्हें बहुत ही ना रीजनेबल लगेगा, बट क्या हर साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं? नो, दिस इज नॉट ट्रू. हमारे अकेडमिशियंस जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, राइट. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे. सो इट्स लाइक क्लिनिकल प्रैक्टिस इज जस्ट फॉर क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. सो दिस इज नॉट द वे टू एक्चुअली चेक कि कोई साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल एंड क्रेडिबल है या नहीं. ओके, सो ए इज द आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन? ओके, देखते हैं. फर्स्ट, इट इज डायनेमिक. सेकेंड, इट इज रिवर्सिबल एज एनी एरर्स इन मैसेजेस सेंड कैन बी करेक्टेड थ्रू फीडबैक लाइक अपोलॉजीज एंड क्लैरिफिकेशंस. थर्ड, इट इज बोथ अ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस प्रोसेस. एंड फोर्थ, द प्रोसेस कैन बी रिटोरिकल एंड एक्सीडेंटल. तो देखते हैं इनमें से कौन से सही है. ठीक है, तो डायनेमिक होता है कम्युनिकेशन, चेंज होता रहता है. डायनेमिक का मतलब है चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं. दिस इज ट्रू, क्योंकि जैसे कि जो कम्युनिकेशन में दो कम्युनिकेटर्स है, उनके थॉट्स, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस चेंज होंगे, कम्युनिकेशन में या कॉन्वर्सेशन का नेचर भी चेंज जाएगा. दिस इज ट्रू. कम्युनिकेशन रिवर्सिबल होता है. इस कम्युनिकेशन रिवर्सिबल, आपने जो एक बार कह दिया क्या वो वापस लिया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है. ओके, करेक्ट किया जा सकता है, दिस पार्ट इज ट्रू. आप क्लैरिफाई कर सकते हो, बट क्या आप रिवर्स कर सकते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस को? जो एक बार बोल दिया क्या वो वापस किया जा सकता है? नहीं. सो कम्युनिकेशन इज नॉट रिवर्सिबल, इट्स इररिवर्सिबल. थर्ड, इट इज बोथ अ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस. यस, दिस इज ट्रू. कैसे? कॉन्शियसली यू आर स्पीकिंग थिंग्स, अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो या आप क्या सोच रहे हो. ओके, पुलिस इंटरोगेशन में बेसिकली वॉट डिटेक्टिव आर डूइंग, एंड इवन साइकोलॉजिस्ट इन थेरेपी सेशन, वॉट आर यू डूइंग? दे आर लिसनिंग टू वॉट यू आर सीइंग एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग नोट ऑफ आपकी बॉडी लैंग्वेज. आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ओके, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है. सो वो बॉडी लैंग्वेज वाला पार्ट इज नॉट वॉलंटरी, हम अपनी मर्जी से नहीं दिखाते वो, दैट इज अनकॉन्शियसली हैपनिंग, और वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है. सो दिस इज ट्रू. एंड फोर्थ, इट कैन बी बोथ रिटोरिकल एंड एक्सीडेंटल. रिटोरिकल का मतलब क्या है? रिटोरिकल यानी किसी गोल के साथ करा गया. तो हाँ, कम्युनिकेशन हैज अ गोल. जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हमारा कुछ गोल होता है ऑफ दैट कम्युनिकेशन. एंड एक्सीडेंटल हो सकता है कम्युनिकेशन, यस हो सकता है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, हमने किसी को कुछ बोला, किसी और ने कुछ और ले लिया, या हमने किसी एक को बोला, दूसरे ने परसीव कर ली वो चीज, सो दैट इज एक्सीडेंटल भी हो सकता है कम्युनिकेशन. तो इस हिसाब से हमारी जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, दे आर 1, 3 एंड 4. सो द आंसर इज डी, 1, 3 एंड 4. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लाइंट इन साइकोलॉजी? दिस इज इंपॉर्टेंट. ए, एन इंडिविजुअल सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट इन अ क्लिनिकल सेटिंग. B, any person or entity seeking guidance or intervention from a psychologist. C, a term exclusively used in organizational psychology. And D, a group of individuals undergoing behavior modification treatment. C and D तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि पहली बात तो client is common to the entire psychology field. Okay, उसमें बस केवल एक behavior modification therapy नहीं आती, उस group को, उस type की therapy लेने वाले लोगों को हम client, ना ही ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्लाइंट वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? फर्म्स में, कंपनीज में, फॉर कस्टमर्स. सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. है साइकोलॉजी में क्लाइंट हम किसे कहते हैं? टू वी कॉल एनी एंटिटी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट से गाइडेंस, हेल्प या इंटरवेंशन ले लिए, ओके, फॉर अ प्रॉब्लम या फॉर एन इश्यू. अब देखो ए एंड बी ऑप्शंस आर सिमिलर, बट यहाँ पे क्या है? एन इंडिविजुअल. और यहाँ पे क्या है?
एनी पर्सन और एंटिटी, एंटिटी एंटिटी मतलब कोई भी हो सकता है. इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ कम्युनिटी. तो एंटिटी यस, इट्स ट्रू. साइकोलॉजी में कोई पूरी एंटिटी हो सकती है. मे बी जैसे हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट, जो एक पूरी कम्युनिटी के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं, सैनिटेशन इंटरवेंशन, राइट, या फिर उनकी हेल्थ बड़ा अच्छा करने के लिए इंटरवेंशन, इन द सेंस कि उनकी अवेयरनेस बढ़े, राइट. तो वो क्या है, उसमें पूरी कम्युनिटी एक साइकोलॉजिस्ट से गाइडेंस ले रही है, इंटरवेंशन ले रही है, राइट. तो एंटिटी हमेशा एक एंटिटी होगी, एक इंडिविजुअल भी आ गया इसमें, ठीक है. और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजिस्ट इन अ क्लिनिकल सेटिंग, क्या एक साइकोलॉजिस्ट से गाइडेंस हम केवल क्लिनिकल सेटिंग पे लेते हैं? अगेन वही बात आ गई, साइकोलॉजिस्ट अलग अलग स्पेशलाइजेशन के साथ है. अगर आप एक आए हो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट से अपनी कंपनी के लिए ले रहे हो एडवाइस या इंटरवेंशन, दैट इज ऑल्सो, देन यू ऑल्सो आर क्लाइंट. अगर आप एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस ले रहे हो कैसे नेबरहुड में आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर्स बढ़ाए जा सके, दैट इज ऑल्सो यू आर, देन ऑल्सो यू आर अ क्लाइंट, राइट. तो एनी पर्सन और एंटिटी जो कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, उनसे अगर ले रहे हैं गाइडेंस या इंटरवेंशन या हेल्प, तो उनको हम क्लाइंट बोलते हैं. विच टेक्निक इज बीइंग यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं कल्चर को. टू गेन फर्स्ट हैंड पर्सपेक्टिव अबाउट अ सिस्टम विच इज नॉट अवेलेबल टू आउटसाइडर्स. ए एक्सपेरिमेंट्स, बी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सी इंटरव्यूइंग, एंड डी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको समझना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करते हैं टू स्टडी ऐसे सिस्टम्स जो कि आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल नहीं. अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से आप समझो, राइट. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ ट्राइब, ओके, लेट्स इमेजिन देर इज अ ट्राइब, एंड एक्चुअली यू विल स्टडी, यू कैन एक्चुअली सर्च अबाउट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने शायद अंडमान निकोबार में ये स्टडीज की हैं, या आई थिंक साउथ अमेरिकन जंगल्स जो है, अमेजोन जंगल्स, वहां के ट्राइब्स के साथ भी ऐसा करा गया है. इमेजिन कर लो देर इज अ ट्राइब, एंड जब आप एक ट्राइब जो होता है वो एक अपने आप में कम्युनिटी होती है, राइट. वहां पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एंड आप वहां पे एज अ बाहर वाला आके, जो कि सिविलाइज, सो कॉल्ड सिविलाइज मॉडर्न सोसाइटी से है, आके वहां रह के उन्हें ऑब्जर्व करो, तो वो चीज फीजिबल नहीं होती. क्यों? क्योंकि कभी कभी इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन जो कि उस ट्राइब के या उस कम्युनिटी के लोग हैं कि भाई ये बाहर वाले हैं, एंड आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आ ही जाता है, ठीक है, कि भाई ये हमें ऑब्जर्व करने आए हैं, हमें स्टडी करने आए हैं, और इनको कुछ खास खास दिखाना है, या इनके सामने हमें थोड़ा बिहेवियर हमारा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली चेंज हो जाता है, ओके, पार्टिसिपेंट्स का, ऑब्जर्वर के सामने. तो ऐसे में जो ऐसे सिस्टम्स हैं जिनपे या तो अगर हम बाहर अंदर जाके उन्हें विद इन ऑब्जर्वर, उन सिस्टम्स का पार्ट बन के अगर उन्हें ऑब्जर्व करेंगे एज एन आउटसाइडर, तो क्या होगा कि चेंज आ जाएगा इन बिहेवियर. या फिर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि जहाँ आउटसाइडर्स आ ही नहीं सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है जहाँ पे आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, राइट, केवल एम्प्लॉयज अलाउड है, और आपको उस कंपनी की केस स्टडी करनी है, तो आप क्या करोगे? आप लोगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का सहारा. बिकॉज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो रिसर्चर होता है ना, वो जाके उसी कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के वहां रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनको एक ट्राइब को स्टडी करना है, वो उस ट्राइब में गए, वो वहां महीनों तक रहे, उन्होंने वहां का रहन सहन, खान पान सब अपना लिया. सो नाउ द ट्राइब मेंबर्स आर सीइंग देम कि अच्छा, ये तो दिस पर्सन इज जस्ट लाइक अस, ओके. सो एज एन इनसाइडर, एज एक पार्टिसिपेंट बन के, उसी सिचुएशन के आप पार्टिसिपेंट बन के ऑब्जर्व कर रहे हो और पार्टिसिपेंट्स के साथ, राइट. सो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, राइट, ठीक है. इन विच stage of interviewing does the interviewer does most of the talking and the goal of the interview is established. I hope आप सब अपने scores note करते जा रहे हो, okay? Total 35 questions हैं, एक एक question का score आपको note करना है. तो कौन सा stage होता है interviewing का, जहाँ पे interviewer ही सबसे ज्यादा बात करता है, और interview में क्या करना है, उसका goal establish हो जाता है. A opening, B voting, C closing, and D rapport formation. आंसर इज ए ओपनिंग. ओपनिंग ऑफ द इंटरव्यू में क्या होता है, एक भूमिका बिठानी होती है. यू हैव टू ले अ फाउंडेशन एज इंटरव्यू, ओके. सो जैसे आप इंटरव्यू देखोगे, इट्स लाइक द इंटरव्यू स्टार्ट्स द इंटरव्यू, कि हम आज इस बारे में बात करने वाले हैं एंड हमारे साथ ये है. तो मोस्टली दे आर डूइंग द टॉकिंग, दे आर establishing the goal of the interview, कि interview में हम क्या क्या cover करेंगे, and they are doing rapport formation as well. So rapport formation is a part of opening,
रैपो फॉर्मेशन माने कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उस इंटरव्यू को कंफर्टेबल फील कराना, ताकि वो अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। बॉडी में हमारा मेन कॉन्वर्जेशन होती है, जो इंटरव्यू का गोल है, जो हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सब चीजें बॉडी में कवर होती है। एंड क्लोजिंग में आप कंक्लूड कर देते हो एक इंटरव्यू को। अगेन एन अजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। अजर्शन है, काउंसलिंग ऑल्सो इंक्लूड सेलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन टू जॉब्स एंड फॉर कोर्सेज। एंड रीजन है, बोथ काउंसलर्स एंड क्लाइंट्स ट्रांसमिट एंड रिसीव वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। तो पहले देखते हैं दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। रीजन क्या कह रहे हैं, काउंसलर्स और क्लाइंट्स दोनों ही वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं, रिसीव भी करते हैं। दिस इज करेक्ट। केवल क्लाइंट ही नहीं है जो बोल रहा है या फिर जिसकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, काउंसलर इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे आर ऑल्सो सेइंग थिंग्स। वर्बल मैसेजेस वो भी दे रहे हैं एंड साथ ही साथ नॉन वर्बल मैसेजेस भी दे रहे हैं, राइट। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी क्या पोर्ट्रे कर रही है क्लाइंट को, कि एक सेफ स्पेस है, आप यहाँ आराम से बोलो, दिस इज अ नॉन जजमेंटल स्पेस। तो दोनों की ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, दे भी ले और रिसीव भी कर रहे हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। रीजन इज ट्रू। अजर्शन कह रहे हैं काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स भी आ जाता है ऑन टू जॉब और फॉर कोर्सेज, जैसे करियर काउंसलिंग हो गया या फिर मेरी प्लेसमेंट के लिए हम काउंसलिंग जो करते हैं, सो काउंसलिंग में ये भी आ जाता है। इज दिस ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू। ऑल्दो लेमैन वर्डिंग्स में हम कहते हैं कि काउंसलिंग में आ जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग। दिस इज अ मिथ अबाउट काउंसलिंग जो आपके बुक में दिया है। सो इस वजह से हमारा आंसर वुड बी ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक लग रहा है कि अच्छा प्रेप हो रहा है, ये क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं आपको, ड्रॉपिंग अ रिमाइंडर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप ड्रॉपिंग डाउन योर सजेशंस एंड कमेंट्स एंड रिमार्क्स इन द कमेंट बॉक्स। स्लो तो ड्रॉप करना ही है एंड लाइक द वीडियो प्लीज। अंकिता, अ साइकोलॉजिस्ट, इज कंडक्टिंग अ काउंसलिंग सेशन विद अ क्लाइंट हु कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। ड्यूरिंग द सेशन द क्लाइंट एक्सप्रेसेस बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट आर अनफेमिलियर टू अंकिता। व्हिच जनरल इंटरपर्सनल स्किल इज क्रूशियल फॉर अंकिता टू इफेक्टिवली एंगेज विद द क्लाइंट? ए, इमोशनल कंट्रोल एंड बैलेंस। बी, टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। सी, एबिलिटी टू लिसन एंड बी एम्पैथेटिक, इसकी स्पेलिंग का रहता है। एंड डी, डिजायर टू हेल्प अदर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया अंकिता, ऐसा होता है एज अ थेरेपिस्ट, बिकॉज हम अपने कल्चर, अपनी वैल्यू बिलीफ सिस्टम ला रहे हैं एंड क्लाइंट अपना लाइफ हिस्ट्री ला रहे हैं, अपने कल्चर, अपना बैकग्राउंड ला रहे हैं। तो कई बार द क्लाइंट कैन एक्सप्रेस ऐसे बिलीव्स एंड वैल्यूज जो आपके लिए अनफेमिलियर हैं या फिर आप उनसे पर्सनली एग्री नहीं करते हो, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ क्लाइंट जो ये शेयर कर रहे हैं कि आई चीटेड ऑन माय पार्टनर एंड आई फील दैट आई डिड नथिंग रॉन्ग, तो एज अ थेरेपिस्ट यू माइट से कि भाई आई पर्सनली डू नॉट बिलीव दिस, बट एज अ थेरेपिस्ट या एज अ काउंसलर यू हैव टू लिसन टू देम। आपको उनके पर्सपेक्टिव से चीजें देखनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा empathetically. So the answer is ability to listen and be empathetic irrespective of kitna unfamiliar ya kitna disagree karte ho aap with the client ke beliefs and values. Emotional control and control yahan pe there is no need of emotional control. Emotional control and balance tab aata hai jaise client jab thoda rude hai ya fir maan lo let's say client is breaking down aapke samne to aapko bilkul beh nahi jana, to wo emotional control and balance, professional relationship banaye rakhna hai. Tolerance and understanding of interpersonal conflict ki yahan pe kahin baat nahi aayi, so this would also be not the answer. Okay, then ability to listen and empathetic is the answer I explained why, and desire to help others is not just, it's not. Okay, what is a critical factor determining the effectiveness of communication? Okay, A, the length of message being transmitted. B, the number of communicators involved in the process. C, the mutual understanding of signals or codes used by the communicators. And D, the speed at which the message is being transmitted. The message being transmitted. I mean, this is not the answer. सबसे crucial क्या है ये देखना है. Number of communicators involved in the process is also not मतलब सबसे crucial पता है क्या है? सबसे crucial is कि आप जो सिग्नल या कोड यूज कर रहे हो, वो जो भी कम्युनिकेटर्स इन्वॉल्व है उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उन सबको समझ आना चाहिए. ओके, सो इफ आई एम सेइंग लेट्स से बीआरबी, इफ आई एम यूजिंग इन अ चैट ग्रुप बीआरबी, तो उस चैट में 5 लोग हैं, 4 को पता है बीआरबी का मतलब इज बी राइट बैक, मैं अभी आ रहा हूँ, एंड 5वें को भी पता, दे आर लाइक व्हाट इज दिस. तो वहां पे दिस इज
वहां पे कम्युनिकेशन हिंडर हो गया, राइट। सो सबसे क्रूशियल यही होता है कम्युनिकेशन के लिए कि जो भी सिग्नल्स या कोड्स या लैंग्वेज यूज की जा रही है वो सभी कम्युनिकेटर्स को समझ आनी चाहिए, म्यूचुअली समझ आनी चाहिए। बाकी सब ये जो है सही तो है बट ये सेकेंडरी है। तो देखा, ये वही उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, उस टाइप के क्वेश्चन का, कि जहाँ सब आंसर सेंस बना रहे हैं, चारों ऑप्शन एक ही माइक ला रहे हैं, बट सबसे ज्यादा सेंस क्या बन रहा है, यू हैव टू प्रूव इट दैट। ओके, विच गाइडलाइन शुड अ साइकोलॉजिस्ट फॉलो बाय ऑब्जर्विंग पीपल्स बिहेवियर्स? ए, इग्नोर पर्सनल रिएक्शन एंड बायसेस, बिल्कुल नहीं। बी, अवॉइड इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल्स बीइंग ऑब्जर्व। सी, मेंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी। एंड डी, डिसरिगार्ड प्राइवेसी एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑब्जर्व इंडिविजुअल्स। द आंसर इज प्रीटी इजी। जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उनके पर्सनल रिएक्शन एंड बायसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, अपने भी बायसेस एंड पर्सनल रिएक्शन को इग्नोर नहीं करना, उन्हें मिनिमाइज करना है। इंटरेक्शन जिन जिन इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना, दिस इज नॉट ट्रू। जब आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप पार्टिसिपेंट्स के साथ रह रहे हो ना, उनके जैसा बन के, तो फिर वहां इंटरेक्शन हो रहा है, राइट। सो दिस इज नॉट ट्रू। डिसरिगार्डिंग प्राइवेसी एंड नॉर्म्स, नहीं, बल्कि प्राइवेसी एंड जो उनके बिलीव्स या नॉर्म्स है उनको रिस्पेक्ट करना है। सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग लेट्स से अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो ये मानते हैं कि भाई, इमेजिन दैट यू आर साइकोलॉजिस्ट एंड यू आर ऑब्जर्विंग अ फैमिली इन देयर हाउस रह के, एंड अगर फैमिली ये मानती है कि रात को 9 बजे खाना खाना है, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ दैट फैमिली व्हाइल यू आर देयर। यू कैन नॉट बी लाइक, नहीं भाई मैं तो अपने टाइम पे चीजें करता, आपको उनके रूटीन के हिसाब से चलना पड़ेगा। सो द आंसर इज मेंटेनिंग ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी, यानी क्यूरियस रहना है एज एन ऑब्जर्वर, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि भाई कुछ जानने को मिलेगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियोसिटी। अ काउंसलर बिल्ड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम बाय फोकसिंग ऑन ए, द ऑब्जेक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, बी, द क्लाइंट्स फीलिंग्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, सी, द फीडबैक गिवन बाय क्लोज वंस एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट। काउंसलर्स या थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट एंड काउंसलर में अंतर होगा। ओके, आई हैव अंडरलाइन दिस मेनी टाइम्स। थेरेपिस्ट जो कोर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, काउंसलर्स आर लाइक जो कि पर्सनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल इश्यूज, उनके साथ आपको हेल्प करते हैं। तो काउंसलर जो होता है ना, हमेशा क्या करता है, इफ यू गो टू अ काउंसलर एंड यू टेल देम देयर प्रॉब्लम, देम योर प्रॉब्लम, वो ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई पर रियलिटी, मतलब जो एक्चुअल चीज है उसमें तुम गलत हो सिचुएशन में, तुमने ऐसा क्यों करा भाई, सही तो ये होना चाहिए था। अ काउंसलर विल नेवर गिव यू द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, ओके, या फिर ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। एक काउंसलर का काम है आप उस सिचुएशन के बारे में जो फील कर रहे हो, आपका जो मानना है, आप जिस तरीके से उस चीज से डील कर रहे हो उसमें आपकी हेल्प करना, उसमें आपको सुनना एंड उस आधार पे आपकी हेल्प करना। सो काउंसलर जो हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग आपके प्रॉब्लम की करेगा ना, वो हमेशा आपकी बात सुन के करेगा कि भाई अच्छा ये हुआ, ओके ये तो हुआ, पर आपको कैसा लगा इस बारे में, हाउ डिड यू फील, और वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। काउंसलर उस पर फोकस करता है, उसी हिसाब से क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझता है, ठीक है। द एबिलिटी टू एग्जामिन एंड कंसिडर वन्स ओन मोटिव्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू वन्स ओन बिहेवियर और अदर्स कम्स अंडर डैश स्किल्स, ए, रिफ्लेक्टिव, बी, कॉग्निटिव, सी, पर्सनल एंड डी, ऑब्जर्वेशनल। तो देखो भाई, अपनी थॉट्स, मोटिव्स, एटीट्यूड्स को ऑब्जर्व कर पाना, एग्जामिन कर पाना कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा मेरा ये एटीट्यूड है, एंड सेंसिटिविटी रख पाना टुवर्ड्स अपना बिहेवियर या औरों का भी, कि भाई किसी ने बहुत ही एक इन्फ्यूरिएटिंग चीज कर दी तो एकदम से आग बबूला नहीं, ओके उसने से क्यों करा, इसे तो कुछ रीजन होगा, राइट, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो ये चीजें किस में आ जाती है, ये आती है आपकी रिफ्लेक्टिव स्किल्स में, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना, राइट, सोचना, एग्जामिन करना, सेंसिटिव रहना। सो दैट इज रिफ्लेक्टिव स्किल्स, जो कि एक जनरल स्किल है। व्हाट इज द डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन हियरिंग एंड लर्निंग, हियरिंग एंड लिसनिंग, सॉरी, हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या अंतर है? ए, हियरिंग इन्वॉल्व्स साइलेंस व्हाइल लिसनिंग इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, बी, हियरिंग इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी व्हाइल लिसनिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स, सी, हियरिंग अकर्स थ्रू सेंसरी चैनल्स व्हाइल लिसनिंग अकर्स थ्रू द विजुअल सिस्टम, डी, हियरिंग इज अ पैसिव बिहेवियर व्हाइल लिसनिंग रिक्वायर्स अटेंशन एंड एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे ये हमें क्या कह रहे हैं कि हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या, सी, हियरिंग इन्वॉल्व साइलेंस, दिस इज नॉट ट्रू, एंड लिसनिंग इन्वॉल्व एक्टिव पार्टिसिपेशन, दिस इज ट्रू। सो बेसिकली ओवरऑल ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। फिर हियरिंग इज अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यस इट्स ट्रू,
जबकि लिसनिंग में इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स होता है. दिस इज ट्रू. हियरिंग इज लाइक, हियरिंग इज अ पार्ट ऑफ लिसनिंग. आपने एक चीज सुन तो ली, आपने उसको क्या समझा, उसको कैसे इंटरप्रेट किया, उसका क्या मीनिंग असाइन किया और क्या रिस्पॉन्ड किया, ये सब लिसनिंग में आ जाता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हियरिंग अकर्स थ्रू सेंसरी चैनल्स. दिस इज ट्रू. हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं ईयर्स के, उनके थ्रू हो रहे हैं. एंड लिसनिंग अकर्स थ्रू विजुअल सिस्टम. दिस इज नॉट. लिसनिंग अकर्स थ्रू अ लॉट ऑफ चैनल्स, सेंसरी, कॉग्निटिव, विजुअल. तो दिस इज नॉट ट्रू. बट हियरिंग इज अ पैसिव बिहेवियर. While listening requires attention and analysis. This is true कि हाँ, hearing एक passive behavior है, जबकि listening में क्या होता है, attention और analysis की हमें जरूरत होती है. अच्छा, तो आप यहाँ पे देखो, the answer would be B कि hearing एक biological activity है, सुनना, कानों से सुनना. जबकि listening एक psychological activity है, जहाँ पे आप actively interpret कर रहे हो, respond कर रहे हो. आप कहोगे यार D क्यों नहीं है, D भी तो हो सकता है. तो hearing is a passive behavior. Yes, hearing is a passive behavior, but listening requires attention and analysis. देखो भाई, attention जो है ना, attention hearing में भी चाहिए होता है. You have to understand this, okay? क्योंकि आपके book में ना listening वाला जो portion है वो बहुत important है. उसमें बहुत सारे components नहीं है, तो उसमें ना attention का जो portion है, अगर आप उसे ध्यान से देखो, attention is a part of hearing itself. जब आप किसी चीज को अटेंड करते हो, तब आप उस चीज को सुन पाते हो, क्योंकि आपने उसे अटेंड किया, तब आप उस स्टिमुलाई रिसीव कर रहे हो, सुन रहे हो, और फिर आप लिसनिंग के, वो लिसनिंग का आगे प्रोसेस चलता है. तो अटेंशन हियरिंग में भी चाहिए होता है. इसीलिए इट्स नॉट लाइक ये बस लिसनिंग का पार्ट है अटेंशन. इसीलिए हमारा आंसर इज बी एंड नॉट डी. आई होप इट्स क्लियर. अगर डाउट है, यू कैन स्टिल ड्रॉप इट डाउन इन द बॉक्स. How many sets of skills were recommended by the task force constituted by the American Psychological Association to identify essential skills for professional psychologists? A 1, B 2, C 4, and C 3, and D 4. I think this is quite easy. We have done this pehle bhi. Three sets of skills. APA ne kahe hain, psychologists ke liye kaun kaun se? Identifying individual differences, behavioral modification skills, and tisra. This time you drop it down in the bottom. Okay, after the lecture, this is a case-based question again and very important. After the lecture, a professor asks his students to paraphrase the important points discussed in the class. X repeated the exact words and sentences that the professor used while explaining. Y verbally summarized the ideas discussed by the professor while adding what they understood out of it. Z tried to summarize what the professor said, but could not complete as he did not understand the lecture well. Who paraphrased appropriately in this case? A, Z, A, X, B, Y, C, Z, and both X and Y is D. अब देखो यहाँ paraphrasing क्या होती है. Paraphrasing होती है, मैंने जो कुछ बोला, आप उसे अपने words में, आपने क्या समझा है, उसको आप अपने words में बोलेंगे. तो देखो जी एक्स ने क्या करा है, एक्स ने एग्जैक्टली रिटन होगा जो प्रोफेसर ने बोला, वही वही बोल दिया कि आपने ये बोला. दिस इज नॉट पैराफ्रेजिंग. इवन दो इट माइट लुक लाइक पैराफ्रेजिंग, दिस इज नॉट पैराफ्रेजिंग. इसलिए ए नहीं है. पैराफ्रेजिंग हमेशा होता है कि वर्बली समराइज करना जो आपने समझा, ओके, अपने वर्ड्स में. सो द आंसर इज वाई. एंड जी का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कम्प्लीटली समझ. पैराफ्रेजिंग तभी हो पाएगी जब आपने उस चीज को समझा हो. अगर आपने समझा ही नहीं है, आप पैराफ्रेज ही नहीं कर पाओ. So the answer is B, Y, and not D, both X and Y. Fifth, dash communication involves communicating with oneself. A, internal, B, interpersonal, C, personal, and D, intrapersonal. The answer is very easy. You should know it. D, intrapersonal. Inter matlab beech mein. Interpersonal, do logo ke beech mein. Intra matlab andar, ek hi ke andar. To ek hi person ke andar jo communication ho raha hai, apne se hi ho raha hai, तो हम इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. ऑथेंटिसिटी इज अ डैश स्किल. ए जनरल, बी स्पेसिफिक, सी काउंसलिंग, एंड डी ग्रोथ बीएनसी. ऑथेंटिसिटी एक स्पेसिफिक स्किल है, और स्पेसिफिक स्किल में भी तीन टाइप के स्किल होते हैं, जिनमें से एक है काउंसलिंग. एंड काउंसलिंग के अंदर, काउंसलिंग स्किल्स के अंदर आता है ऑथेंटिसिटी. तो इसलिए द आंसर इज बोथ बी एंड सी. ऑथेंटिसिटी एक स्पेसिफिक स्किल है, और स्पेसिफिक के अंदर भी वो काउंसलिंग स्किल्स के अंदर आता है. ठीक है. During the presentation, you notice that the speaker's tone of voice and body language convey confidence, yet their facial expressions seem tense and uncertain. What term best describes this lack of harmony between verbal and non-verbal communication?
ए कॉन्ग्रुएंसी, बी सिंक्रोनिसिटी, सी इनकॉन्ग्रुएंस, डी यूनिफॉर्मिटी। अब सिंक्रोनिसिटी तो आया ही नहीं है, सिंक्रोनिसिटी और यूनिफॉर्मिटी तो कहीं आया ही नहीं आपके चैप्टर में। कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंस अलग। अब देखो आप क्या देख रहे हो, स्पीकर बोल कुछ रहा है, जो बोल रहे हैं एंड उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट लग रही है, बट उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा टेंस लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्मनी है बिटवीन देयर बिहेवियर एंड व्हाट दे आर सेइंग, आई मीन बिटवीन देयर बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट विच इज फेशियल एक्सप्रेशन एंड देयर बिहेवियर या फिर देयर टोन ऑफ वॉइस। नो, देयर इज अ लैक ऑफ हार्मनी। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट वर्ड आया ना फिर उसमें वो है कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी वो है कॉन्ग्रुएंसी। आप कॉन्ग्रुएंसी सेलेक्ट कर दोगे बट कॉन्ग्रुएंसी नहीं, यहाँ करेक्ट आंसर वुड बी इनकॉन्ग्रुएंस। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मनी। जब वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हार्मनी होती है तब हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस है, यहाँ पे तो लैक ऑफ हार्मनी है, लैक ऑफ हार्मनी, इसलिए इनकॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का उल्टा। इसलिए आप कॉन्ग्रुएंस सेलेक्ट नहीं करना, इवन दो आपकी बुक में कॉन्ग्रुएंस वर्ड आया है बट इनकॉन्ग्रुएंसी भी उसी का पार्ट है, ये समझ लो। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है कि लैक ऑफ हार्मनी लिखा है या प्रेजेंस ऑफ हार्मनी लिखा है। इफ एम्फसाइज्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन मेथड्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो आप इवैल्यूएशन मेथड सेलेक्ट करते हो उसमें क्या एम्फसाइज किया जाता है? ए यूटिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल मेथड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, बी रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स इंडिविजुअल्स, कपल्स, फैमिलीज एंड ग्रुप्स, सी एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन पर्सनल बायस, एंड डी लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर डिफरेंट डेटा सोर्सेज। क्या आप सभी इंडिविजुअल्स के लिए एक ही सिंगल मेथड यूज कर देते हो कि भाई एक टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल वो सब पे अप्लाई किया जा सकता है? इज इट ट्रू? नहीं, आपको कल्चर देखना पड़ेगा, कल्चरली सेंसिटिव टेस्ट है या नहीं, राइट? आपको देखना पड़ेगा कि उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है। ठीक है, फिर क्या आप पर्सनल बायस कि भाई अच्छा मुझे इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग नहीं पसंद तो मैं इन इन लोगों का नहीं करूंगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट या इवेल्युएट नहीं करूंगा, कैन दैट हैपन? नो, दिस कैन नॉट हैपन ईदर। देन लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर डिफरेंट डेटा सोर्सेज, अलग अलग डेटा सोर्सेज एज अ साइकोलॉजिस्ट जब आप कंफर्म करते हो एक चीज को, जब आप डायग्नोसिस करते हो फॉर एग्जाम्पल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, आप इंटरव्यू भी करते हो क्लाइंट को टू नो कि अच्छा उनके सिम्टम्स उन्हें क्या लग रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उन्हें देते हो, आप उनका कॉग्निटिव असेसमेंट भी करते हो, तो अलग अलग डेटा सोर्सेज से मिला के आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हो। तो आप अगर डेटा सोर्सेज को कंसिडर नहीं कर रहे सो दिस कैन नॉट बी अ राइट आंसर। ओके, तो आंसर इज कि अलग अलग लोगों की जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग बिलीव्स है, उसको रिस्पेक्ट करना एंड उसके हिसाब से काम करना, उसके रिस्पॉन्स में काम करना कि अच्छा आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ओके वी विल डू द साइकोलॉजिकल असेसमेंट या मेथड दिस वे। ओके, इन द डैश फेज ऑफ लिसनिंग अदर स्टिमुलाई रिसाइड सो दैट फोकस इज सेंटर्ड ऑन द स्पेसिफिक वर्ड्स और विजुअल सिंबल्स वन विशेस टू रिसीव, ए पैराफ्रेजिंग, बी रिसेप्शन, सी अटेंशन एंड डी असाइनमेंट ऑफ मीनिंग। अब यहाँ पे वो कौन सा फेज ऑफ लिसनिंग है जहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक वर्ड या विजुअल सिंबल्स या फिर स्टिमुलाई पे ध्यान देते हैं एंड जो बाकी सब स्टिमुलाई हमारे एनवायरमेंट है एनवायरमेंट में है वो सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं ताकि हमारा ध्यान केवल उस एक स्टिमुलाई पर ही जाए। तो आंसर इज अटेंशन, सी अटेंशन। ओके, रिसेप्शन एंड पैराफ्रेजिंग तो हो नहीं सकता, असाइनमेंट ऑफ मीनिंग बहुत बाद में होता है। अच्छा, केस बेस्ड क्वेश्चन अगेन, दिस इज इम्पोर्टेंट। करिश्मा डिसाइडेड टू गो टू अ काउंसलर फॉर हर रिलेशनशिप इश्यूज बट शी वॉज अनसर्टेन एंड एंग्शियस अबाउट एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। हाउएवर हर काउंसलर अश्योर्ड हर दैट इट इज ऑल राइट टू फील द वे शी इज फीलिंग एंड एक्सटेंड्स एक्सेप्टेंस टू व्हाटएवर शी सेज। करिश्मा'स काउंसलर हैज डिस्प्लेड हियर ए ऑथेंटिसिटी, बी एम्पैथी, सी पॉजिटिव रिगार्ड एंड डी पैराफ्रेजिंग एबिलिटी। ऑथेंटिसिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इस बात नहीं हुई कि आपका वैल्यू क्या है और आपका बिहेवियर मैच हो रहा है, एंड पैराफ्रेजिंग की भी बात नहीं हुई कहीं पे भी। एम्पैथी या पॉजिटिव रिगार्ड में सोच सकता है। अब देखो एम्पैथी कब होता, एम्पैथी होता तब जब हमें कहते हैं कि काउंसलर ने जैसा करिश्मा फील कर लिया उसको वैसे ही समझने की इमोशनली कोशिश की, उसको उसी के शूज में स्टेपिंग करके समझने की कोशिश की, पर हमें यहाँ पे उस चीज के बारे में कोई क्यों नहीं। तो यहाँ पे का आंसर इज पॉजिटिव रिगार्ड। पॉजिटिव रिगार्ड क्या होती है, बेसिकली द क्लाइंट एक अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है तो एक हेजिटेशन होती है भाई कि मैं जो बोल रहा हूँ आई डोंट नो इफ द अदर पर्सन विल जज मी ऑन,
माइंड बी द अदर पर्सन या द काउंसलर विल जज मी, बट द काउंसलर एश्योर्स द क्लाइंट कि भाई आप जो फील कर रहे हो आप वो फील कर रहे हो, इट्स योर राइट टू फील द वे यू आर फीलिंग एंड इट्स कम्प्लीटली ओके, एंड आप जो भी बोलोगे आई विल पॉजिटिवली रिस्पेक्ट इट, आई विल एक्सेप्ट इट, दिस इज अ सेफ स्पेस, तो उसको पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं. ठीक है, इफ एन इंटरव्यू ही डज नॉट अंडरस्टैंड एन इंटरव्यू क्वेश्चन, दे शुड ए आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, बी रीस्टेट द क्वेश्चन एंड द आंसर, सी आंसर अकॉर्डिंग टू वट एवर दे अंडरस्टूड, एंड डी अगर एक इंटरव्यू को इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आया उन्हें क्या कहना है, द आंसर इज ए दे शुड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. क्वेश्चन को रीस्टेट कैसे करोगे आंसर में जब आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं, एंड दिस इज नॉट अ गुड आइडिया कि भाई जो भी समझ में आए अपने हिसाब से बना के बोलते हैं. क्लैरिफाई द क्वेश्चन, हाउ डज एशियन कल्चर सच एज इन इंडिया टिपिकली अप्रोच दिस थिंग, ओके, ए बाय बीइंग वोकल एंड इंटरप्टिंग द स्पीकर, बी बाय अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, सी बाय एम्फसाइजिंग मल्टी टास्किंग वाइल लिसनिंग, एंड डी बाय बीइंग द साइलेंट कम्युनिकेटर स्पेशली वेन दे आर रिसीविंग मैसेजेस बाय सीनियर्स और एल्डर्स. अब यहाँ पे दिस इज अ वेरी इंट्यूटिव आंसर, इसका आंसर हमें से कोई भी दे सकता है, द आंसर इज डी. इन एशियन कल्चर्स पर्टिकुलरली इन इंडिया हम बहुत एम्फोसाइज करते हैं कोई बड़े या सीनियर बोल रहे हैं कि चुपचाप उनकी बात को सुनना, बीच में तोप मत लगाओ, जो वो बोल रहे हैं सुन लो. ओके ओके, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, वेन असर्शन देखते हैं, वेन स्टडिंग बॉडी लैंग्वेज फैक्टर्स लाइक जेस्चर्स पोस्चर्स आई मूवमेंट्स एक्सेट्रा हैव टू बी कंसिडर्ड इन अ क्लस्टर, क्लस्टर मतलब साथ में कंसिडर करना है, एक एक को कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, reason, a single non-verbal signal does not carry complete meaning. तो देखते हैं पहले दोनों स्टेटमेंट सही है. जब आप बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हो आप एक एक सिग्नल को कि बस ओके हाँ आप ऐसे हिली हाँ हाँ इससे हम इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं, या फिर अच्छा इन्होंने हाथ ऐसे रख रखे हैं हाँ ये गुस्से में, ऐसा नहीं हो सकता. आपको बहुत जो ओवरऑल आपका बॉडी लैंग्वेज है उन सब जेस्टर्स को एक साथ देखना है इन अ क्लस्टर, फिर मीनिंग निकालनी. सो दिस इज ट्रू, this is absolutely true, cluster is the key here, and reason kya diya hai, a single non verbal signal does not carry a complete meaning, absolutely true, this is also true, and R is explaining A as well, it's making sense, right? So the answer is A, both A and R are true and R is correctly explaining A. Okay, so ye dekhte hain, what should a counselor do in regards to ethical and legal issues across professional activities and clinical settings according to APA guidelines? A. Acknowledge the issue but take no action. B. Ignore the issues to focus solely on counseling. C. Recognize and analyze the issues. And D. Delegate the responsibility to others. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो एपीए की गाइडलाइंस आपके चैप्टर के एंड में दी है ना, जो चार पांच गाइडलाइंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो देम वर्ड टू वर्ड. वो आपको शायद रटनी पड़े बट आपको याद रखनी पड़ेगी की वर्ड्स के थ्रू या कैसे भी जो आप कॉम्प्लेट. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर क्लिनिकल सेटिंग में प्रैक्टिस करते टाइम एक काउंसलर के पास एथिकल एंड लीगल इश्यू वो फेस कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए. अब इसका एग्जांपल देखते हैं, एथिकल एंड लीगल इश्यू, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आते हैं एंड वो अपनी अपने काउंसलिंग सेशन में बता रहे हैं कि आई वॉज अब्यूज्ड एंड आई एम बींग अब्यूज्ड फिजिकली एंड सेक्शुअली लेट्स से. तो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट एक कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू कि भाई अच्छा क्लाइंट जो बता रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ है, अब्यूज इज अ लीगल इशू, ओके, इट इज समथिंग दैट इज इनलीगल दैट शुड नॉट हैपन. तो यहाँ पे क्या करेगा साइकोलॉजिस्ट, शुड दे जस्ट से अच्छा आप उनको अब्यूज हो रहे हैं तो भाई बहुत गलत है बट चलो कुछ नहीं कर रहा मैं, या फिर दे शुड टोटली इग्नोर द इशू कि अच्छा इट्स नॉट माई बिजनेस एंड मैं बस काउंसलिंग देता हूँ कि आपका जो स्ट्रेस या एंग्जाइटी है वो कम हो जाए. सी दे शुड रिकॉग्नाइज द इशू, एक्नॉलेज करना है उस इशू को और उसे एनालाइज भी करना कि अच्छा इसके बारे में क्या हो सकता है, एंड दिस इन्वॉल्व्स रिपोर्टिंग इट टू अथॉरिटीज अगर नेसेसरी है. एंड डी इज लाइक कि औरों को डेलीगेट कर देना कि भाई अच्छा आपको अब्यूज किया जा रहा है अब जाके FIR करा लो प्लीज. द आंसर इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज द इशू एज अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन नॉट जस्ट विथड्रॉ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको अगर जरूरत है तो अथॉरिटीज को अलर्ट करना पड़ेगा उस इशू में, थोड़ा बियॉन्ड आपका काम जाके आपको एथिकल या लीगल अथॉरिटीज या सोर्सेज को इन्फॉर्म करना होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, ए वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, बी इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड्स, सी अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू द मैसेज, एंड बी कॉन्फिडेंशियलिटी. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होता है क्योंकि भाई क्लाइंट अपनी मर्जी से आया है, वो चाहते हैं चेंज होना इसलिए वो काउंसलिंग में आया, तो वॉलंटरी है. सी अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू मैसेज भी है क्योंकि बेसिकली क्लाइंट जो भी कह रहे हैं उसके प्रति आपको अवेयर रहना है एंड सेंसिटिव रहना है,
कॉन्फिडेंशियलिटी यू हैव टू मेंटेन, इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड्स, क्या आप क्लाइंट को इवैल्यूएट करते हो काउंसलिंग में, ये अच्छा आपने ये करा यार, ये आपने सही नहीं करा, मॉरली दिस इज नॉट राइट, वो तो ऑब्जेक्टिविटी ला रहे हो ना आप, एक तरीके से अपना पर्सनल बायस ला रहे हो. इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग, यू हैव टू बी अनकंडीशनल एंड नॉन जजमेंट. Dash refers to the areas in which the test, and test meaning the psychological tests, have been found to be working. A. Standardization samples, B. Norms, C. External criteria validation, and D. Reliability indices. The indexes. Answer is C. External criteria validation. अब ये ना समझना पड़ेगा, बहुत ही आपको confusing लग सकता है, but please समझ के जाओ इस चीज को. Standardization sample of test क्या होता है? जब भी कोई test बनाया जाता है, right? तो उसके उसको ना बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशन पे टेस्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंटेलिजेंस टेस्ट बना रही हूँ, मैं उसे इंडियन स्कूल गोइंग पॉपुलेशन पे भी टेस्ट करूंगी, मैं उसे अमेरिकन स्कूल गोइंग पॉपुलेशन पे भी टेस्ट करूंगी. तो मैंने वो जो टेस्ट जिसके लिए कंस्ट्रक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल भाटिया बैटरी ऑफ टेस्ट है, लेट्स अज्यूम कि वो एक इंडियन पॉपुलेशन के लिए बनाया गया टेस्ट है. तो अगर मैंने लेट्स से कि नॉर्थ इंडिया के 50 स्कूल्स के जो बच्चे थे उनपे उस टेस्ट को पहले जब बनाया तो टेस्ट करा, तो वो मेरा स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल है, उस सैंपल के थ्रू मैंने टेस्ट बनाया, तो उसके थ्रू स्टैंडर्डाइज हुआ है, तो उसको हम स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल कहते हैं. नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं जिनकी हेल्प से स्कोरिंग होती है, कि भाई जो स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल पर सबसे पहले मैंने टेस्ट जब इम्प्लीमेंट करा तो जो स्कोर्स आए ना बच्चों के, उनके हिसाब से ही आगे अब जब वो टेस्ट पब्लिश होगा एंड जो भी लोग टेस्ट लेंगे उसी स्कोर रेंज से, नॉर्म्स से मैच करके स्कोरिंग होगी, कि अच्छा आपका जो स्कोर है वो लो है या हाई है या एवरेज है, वो नॉर्म्स बताते हैं. एक्सटर्नल क्राइटेरिया वैलिडेशन होता है कि बेसिकली आपने जो टेस्ट का स्कोर निकाला उसके इन्फ्लुएंसेस कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं, वो एरियाज जहाँ पे उस टेस्ट को, वो टेस्ट का स्कोर वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया एंड उसका स्कोर जो है वो हम प्लेसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो हम लेट्स से कोर्सेज में एडमिशन डिटरमाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. सो दैट इज एक्सटर्नल क्राइटेरिया ऑफ वैलिडेशन. एंड रिलायबिलिटी इज कि एक टेस्ट पे जब एक लेट्स से मैंने एक टेस्ट लिया साइकोलॉजिकल एंड मैंने वो टेस्ट दिया, उस पर मेरा एक स्कोर आया, एंड जब मैंने दूसरी बार वो टेस्ट दिया तो उस पर वही स्कोर सेम आना चाहिए. दैट इज रिलायबिलिटी, कि वो कितना रिलायबल है टेस्ट, कि मैं जितनी बार एक ही पार्टिसिपेंट या एक ही सब्जेक्ट उसे अटेम्प्ट करे तो वो स्कोर रिलायबली सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. तो दैट इज रिलायबल. द आंसर यहाँ पे इज एक्सटर्नल क्राइटेरिया ऑफ वैलिडेशन. ओके, डोंट यू थिंक देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द थर्ड वर्ल्ड सिटीजंस टुडे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश क्वेश्चन. A. bipolar, B. needing, C. mirror and D. close-ended. ये किस तरह का क्वेश्चन है? Bipolar question is a type of close-ended question, यहाँ पे yes and no में आंसर होता है. तो देखो, लग सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर yes and no में ही तो होगा, but this is a leading question. क्यों leading question क्यों है? Leading question का main sign क्या होता है कि आप पहले ही prompt कर रहे हो आंसर देने के लिए कि अच्छा आप ये आंसर दो. फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि आपको नहीं लगता कि भाई आज के जमाने में कोई एक्चुअल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपने पहले ही मुंह में ना, जो कहते हैं मुंह में जवाब देना, लाइक मुंह में आराम फीरिंग यू द आंसर. सो दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन. वहां पे यू आर गिविंग द प्रॉम्प्ट या क्यू टू द इंटरव्यू कि आप किस तरीके से आंसर करो. बाइपोलर एंड क्लोज एंडेड आर लाइक जहाँ पे एक मिनिमल रेंज ऑफ आंसर्स होती है, एंड बाइपोलर में इट्स जस्ट यस एंड नो. मेरा क्वेश्चन इज ऑल्सो अनदर थिंग कि जो क्लाइंट ने बोला है आप उसी का सहारा लेके उन्हें और प्रॉम्प्ट करते हो कि अच्छा आपने ये बोला ना, इसके बारे में और बताओ. साइकोलॉजिस्ट नीड टू प्रैक्टिस अप्रोप्रिएट डैश रिलेटेड टू एथिकल इश्यूज. ए. नॉलेज ऑफ एथिकल कोड्स, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, बी. एथिकल डायमेंशंस, सी. प्रोफेशनल असर्टिवनेस, एंड डी. कंसल्टेशन. द आंसर इज सी. प्रोफेशनल असर्टिवनेस. यानी जब एथिकल इश्यूज आते हैं आपको उन्हें प्रोफेशनली उनके बारे में असर्टिवनेस होनी चाहिए कि आप क्लाइंट से क्लियरली उनके बारे में बात कर पाओ एंड अथॉरिटीज से भी बात कर पाओ. ठीक है, तो दैट इज प्रोफेशनल असर्टिवनेस. इसी के साथ यार हमारा आखिरी चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी खत्म होता है. इफ यू हैव स्टिक विद अस टिल द एंड ऑफ दिस सीरीज,
कुडोस टू यू. ओके एंड आई नो दैट आपने पूरा एफर्ट लगाया है, आपका सीवीटी इज गोइंग टू गो बॉम्बास्टिक बिकॉज यू हैव वर्क हार्ड फॉर इट, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट. एंड भागना नहीं है, प्लीज स्कोर नीचे डाल के जाना. एंड अभी तक जो भी वीडियोज करे उन सब में जो स्कोर है उन सब स्कोर्स को एनालाइज करना है, अब अपने वीक एरियाज पे काम करना है. राइट, दिस इज द टाइम जब आपको बिल्कुल खुद को ब्रेस करना है. ऑल द क्वेश्चन जो की इस वीडियो में थे वो सब पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में है. एंड दिस वॉज सच अ लवली जर्नी विद ऑल ऑफ यू. ऑल द बेस्ट एंड आई हैव फेथ इन ऑल ऑफ यू. गुड बाय, लेट्स मीट समटाइम सून अगेन.